तो पटना के नॉटरडम स्कूल में है हम लोग। हर आदमी को अपने स्कूल पे थोड़ा ज्यादा नाज होता है, चाहे वो पाठशाला में पढ़े या बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े। और नॉटरडम तो लड़कियों के लिए एक बड़ा स्कूल माना जाता है, ईस्टर्न इंडिया में सबसे ऊपर के क्लास में इसको रखा जाता है। मतलब बिहार, बंगाल, आसाम और नॉर्थ ईस्ट को अगर देखा जाए तो उसमें शायद एक आध कोई स्कूल दार्जिलिंग से शायद आपको टक्कर दे। तो नॉटरडम की लड़कियों के बारे में ऐसा सोचा जाता है, जैसे मैं अपने स्कूल लाइफ में आपके यहाँ फेट होता था तब आता था। तो हम लोग सेंट जेवियर्स से बहुत कम आते थे, हमारी दूरी ज़्यादा पड़ती थी, हम कॉन्वेंट की तरफ ज़्यादा जाते थे। तो एनीवे, अपने स्कूल लाइफ को याद करना, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ बातचीत करना एक अलग अनुभव होता है। तो आज हम लोग हैं यहाँ पे, एलुमनाई एसोसिएशन जो है स्टूडेंट्स का नॉटरडम का, वो एक साथ मिला है। तो क्या कैसा लग रहा है आज का दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आई वुड से मैंने मम्मी पापा का जब हाथ छोड़ा तो सीधे नॉटरडम में थी। सो फॉर मी इट्स लाइक अ गुड 14 इयर्स दैट आई स्पेंट हियर। आज भी मेरी आंखें आप बंद कर दो तो शायद मैं अपना अपने पुराने क्लासेस में चली जा सकती हूँ। इट्स लाइक दैट। ऑब्वियसली इतने सालों बाद आई एम मीटिंग ऑल माई फ्रेंड्स, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज गुड टू नो। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ everyone at Notre Dame, because वो जहाँ भी हैं अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों को इतनी अच्छी यहाँ पे आई वुड से वी हैव इनकल्केटेड दैट गुड कल्चर, वी हैव टेकन इट बैक विद अस एंड वी हैवन फॉरगॉटन एनीथिंग। सो फ्रॉम वॉट वी गॉट फ्रॉम पेरेंट्स एंड वॉट वी गॉट फ्रॉम Notre Dame, amalgamated very well to what we do today. So I'm super happy. So I'm Vimal Chunni, you are right now at Bihar View YouTube channel. So I will like you to introduce yourself first. Sorry, I'm Bhavna. My name is Bhavna Jha and I'm from 1991 batch, and I started my schooling at Notre Dame with a preschool and then got into from standard 1 to standard 10th and then moved on from there. And I was in media. I was in your fraternity for a pretty long time, for about 15 years. And then I started something on my own. So for last 10, 11 years now, yeah. So now you... Yeah, I'm Rashmi. I'm also from 1991 batch. I did my 10th from here. And after going to various places, after leaving the school, I'm back shifted over here in this year itself. So after coming back to Bihar, I am really proud to be back over here. And we've set up a school and we are also running a small security agency here. Oh, here in Patna only? In Patna itself. So yeah. What's the difference between the school life? How you feel, school life and the, this the responsible life? Energy remains. Whatever gives me energy is the kind of, you know, school life, that time for the energy I gained. Still stays with me. That gives me positivity to go ahead. और दोस्तों से मिलना कैसा लगता है? मस्त चीज है, सबसे बढ़िया। It's like going back to the grade, you know, meeting friends, nothing like it. वो हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी उम्र कितनी है, या 36, 34, जो भी है, you know, we go back, we just reverse. And good that our kids are not here to see our madness. Absolutely. So once you enter the gate of the school, it's so nostalgic. You again become a school kid. Absolutely. You know, you connect with each and everything. Yes. That's so mesmerizing. So school ka jeevan jo hai, school ke jo saathi hain, kuch bade ban jate hain, kuch bahut bade ban jate hain, kuch madhyam mein rehte hain aur kuch कुछ नहीं कर पाते लेकिन खुश रहते हैं। कैसे उन दोस्तों के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है? मैं हम लोग स्टूडेंट थे, मैं अपनी बात करूं तो मैं 86 में 10th की या 88 में 12th की, उस ज़माने में हम लोग पीयर प्रेशर का वर्ड जानते भी नहीं थे। हमारे घर पे एक स्कूटर ही हुआ करता था मेरे माता पिता के पास, एंड ऑल माई फ्रेंड्स सबके पास गाड़ियाँ होती थी, पर वो कभी भी सब्जेक्ट बीच में आया नहीं। एंड वो दोस्ती, मतलब 81 में स्कूल में मैं आई थी और आज की डेट में भी हम लोग की ये दोस्ती बरकरार है। और ये रुपया पैसा कौन क्या है ये कभी नहीं आया। वी आर सो फॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेटली आज के बच्चे बहुत पीयर प्रेशर में हैं, बट आर टाइम्स बिल्कुल नहीं। सो आई एम विमल चुन्नी, यू आर एट बिहार व्यू यूट्यूब चैनल। सो आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आई एम नम्रता नाथ।
I did my early school in Ranchi, then I came to Notre Dame. I am a Damien by heart, by soul, by conviction, by blood, everything. I owe everything to the school. I was a business woman. I used to run mainland China earlier. Then it closed post-COVID. I'm still a businesswoman running the business with my son. And I'm also contesting the election for governor this year for Rotary. Whoa. 25-26. Wow. So all the best. Thank you so much. So what is the message for Patna people? Patna people are beautiful. Stay united, stay connected, stay grounded. Stay simple, yeah. Yeah. That's very important. No matter where you go, no matter where you are, just try to be grounded. Walk on the floor, don't walk in the air. Wow. Chale. So thank you, thank you. Bye-bye. So, Rashmi, 1991, 10th batch. 1991, yeah. Okay. We are all 1991. Yeah. Okay, great girls, tum log sab bachche ho. When I was in school, I think when I was in uniform, you people were in liquid form. So enjoy. Bye-bye, ma'am. Bye-bye. So, yeah. So I am Shuchi, and I also passed in 1991 from Notre Dame, and I am a practicing chartered accountant. I have office in Patna and Delhi as well. And after studying from Notre Dame, you carry certain values wherever you go. You understand the importance of, you know, being grounded and taking your work to the highest perfection level where you can. You do your best wherever you are, and you genuinely care for people. And coming to school is like going back to that old bachcha wala din, jahan you forget who you are, what is your profession. Tab aapko bilkul yaad nahi rehta hai ki aap CA hain, aap doctor hain, aap businesswoman hain. Then you were like the same school old kids. Hum waise hi milte hain without any difference of, you know, where we are in life. And that is the beauty of coming back to school and meeting old friends. तो आप CA हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 91 में आपने 10th पास किया. सो उस वक्त तो कॉमर्स का बहुत कम रुझान था बिहार में. नहीं था, सब लोग इंजीनियर डॉक्टर बन रहे होते थे उस टाइम पे. Yeah. सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर या फिर IAS यूपीएससी का क्रेज था. यूपीएससी का क्रेज था. एंड आई नेवर स्टडीड कॉमर्स. आई स्टडीड इकोनॉमिक्स, बट समहाउ आई गॉट इनटू दिस प्रोफेशनल. आई मीन आई केम टू नो अबाउट इट एंड आई परसूड द कोर्स, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई क्वालिफाइड ऑल्सो. एंड नाउ आई एम, यू नो, सर्विंग माय स्टेट. I always feel that we people who have, you know, who belong to this state should keep doing something, should keep giving back to this state, because it really needs. Wherever we go, we try to, you know, tell people that yes, I belong to Bihar. बहुत बार बाहर आप जाते हैं तो लोगों को लगता है कि, you know, बिहार के लोग ऐसे होते हैं क्या. So we make it a point to tell people that yes, we are a little simpler, but we are, you know, genuine people, and we really care, and we'll take this legacy forward. Absolutely. And to, just to add on to what you said, Shuchi, which is which is the truth, which is when you go out and people say, "Acha, aap Bihar ke nahi lagte." So how do Biharis look like? I'm still figuring it out, because after coming here, I'm sure that all of them would be it will give them a start, because yahan koi bhi bihari nahi lagega by their definition. But yeah, I think probably what they mean is that Bihar carries a legacy of being simple, grounded, and you know, taking things at its own pace. And probably that's what they want to translate to us, because now we are into our own set of professional and careers, and they feel that no, Biharis have got a different tag than a non-Bihari. But I would say that being a Bihari is a matter of pride, because you take that legacy forward and you try to exhibit that. All your learnings, you bring them into practice when you are here. So you, ma'am, I started from you only. आपकी आँखों में आपका जो नूर है वो इतना है कि आपने कैमरामैन को मजबूर किया आपसे बात करने के लिए. तो मैं चाहूँगा, मैं हूँ विमल चुन्नी और आप हैं इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे. मैं चाहूँगा कि आप अपनी तारीफ खुद बताएं थोड़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विमल चुन्नी, जो आपने मेरी आंखों में पता नहीं क्या देखा और मुझे ही पकड़ा कि मुझे कुछ कैमरा पे आपसे कहलवाना है. तो मैंने कहा मैं ही क्यों, मेरे साथ तीन फ्रेंड्स और भी हैं, उनको भी नहीं क्यों नहीं लाऊं मैं साथ में. फिर मैंने सबको उठाया कि चलो भाई,
आज कोई कैमरा मैन हमारे ऊपर तो आपकी आंखें तो जोरी की तरह है, आपने तो सिर्फ हीरों को चुना है, है? मेरे सारे दोस्त हीरे हैं और एक्चुअली मैं नोटरडेम से कट ऑफ हो गई थी और 3 साल पहले मैं कनेक्ट हुई हूँ 1991 में। हम सारे 1991 बैच के हैं और 10th मैं 91 में करके फिर मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम 11th 12th वहाँ से किया और उसके बाद मैंने दिल्ली मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किया था। उसके बाद MBBS मैंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से किया और उसके बाद मैंने आई ऑफ्थल्मोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से और अभी मैं दिल्ली गवर्नमेंट में आई स्पेशलिस्ट हूँ और अपने डिपार्टमेंट की हेड भी हूँ। और स्कूल आकर मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे और हनुमान जी वो संजीवनी बूटी खोज कर लाए थे, मुझे वही संजीवनी बूटी का आज एहसास हो रहा है क्योंकि इस आज मैं सिर्फ इसी एलुमनाई मीटिंग के लिए आई हूँ। मेरी फ्लाइट की टिकट ही कटी थी आज इस दिन के लिए, बट मैं 2 दिन पहले आई थी क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं तो उनसे मिलने के बाद ये गेट टुगेदर में मैं आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट 3 दोस्त मेरे साथ हैं खड़े, ये हमेशा रहेंगे और हमेशा से मेरे दोस्त ही मेरी एनर्जी रही है। आप इसको स्ट्रेंथ बोले या वीकनेस बोले बट माई फ्रेंड्स आर माई स्ट्रेंथ एंड आज बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल में आकर सारे टीचर्स से मिलकर, मतलब आई कांट एक्सप्लेन, आई कांट पुट इट इन वर्ड्स, आई एम इन द 8th heaven टुडे। बहुत अच्छा लग रहा है। सो जीवन में दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने अपने जीवन में एक दोस्त भी नहीं बनाया तो फिर आपने जीवन में कुछ नहीं किया, क्योंकि दोस्त ही ऐसे होते हैं मतलब जिनसे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड से या अपनी पत्नी से, अपने भाई से या बहन से या अपने बच्चों से वो सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते जो दोस्त से कर सकते हैं, और दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सो एक थोड़ा सा टॉपिक को घुमाते हुए, चूँकि ये इट्स नॉट अ वेरी सीरियस टॉक, कोई पॉलिटिकल टॉक हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो गुफ्तगु कर रहे हैं आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उसके लिए। सो ये काला चश्मा जो है इसको अभी इस वक्त एक तिब्बतियन लेडी ने गाया है नेपाली उसमें, शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, सुना है वो कालो चश्मा, कालो हाँ काला को कालो शायद उन्होंने यूज़ किया है। सो ये आँखें जो बिकॉज शी इज़ अ डॉक्टर और आई स्पेशलिस्ट हैं, आँखों से देखने के अंदाज से आप पकड़ सकते हैं कि अगले की नीयत क्या है, क्या है ये राज, आंखों का राज क्या है, सचमुच पकड़ लेते हैं आप आंखों से देखने से कि नियत क्या है। बिल्कुल, जैसे ये कैमरा मेरी आंखों को पकड़ा या आपने अपनी आंखों से मुझे पकड़ा, जो भी ये कैमरा आपके दिल की वो है, क्या बोल सकते हैं इसको, दिल की आईज, दिल की आईज, इट इज अ आइट ऑफ योर हार्ट, आपकी आंखें सब कुछ बोल जाती है, चाहे इंसान हो या जानवर हो उसके देखने का अंदाज बताता है कि ये क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या बोल रहा है और क्या सोच रहा है, उसमें अंतर तो नहीं, ये भी बता देता है, शब्द जरूरी नहीं है, आंखें बहुत कुछ बोल जाती है, अल्फाजों का रहना बहुत जरूरी नहीं है, आपकी जुबान से ज्यादा आंखें बोलती है, आंखें बोलती है, प्यार गुस्सा जो भी इमोशंस हैं वो सारी इमोशंस इन आंखों में। सो और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आई वुड से इंस्ट्रूमेंट है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, आई वुड नॉट इवन से इट एज एन ऑर्गन, आई वुड से इट्स एन इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी वेरी टेक्निकल एंड वो जिस चीज़ को देखती है परखती है और डिसाइड करके अपने ब्रेन को बोलती है बॉस साथ में रहो या दूर रहो, यू नो यू कैन एक्चुअली मेक अ फ्रेंड, यू कैन बी गुड फ्रेंड्स बैड फ्रेंड्स, बिकॉज हर एक किस्म के दोस्त जो होते हैं हमारी लाइफ में उनसे हमने कुछ सीखा ही है, यू नो देयर इज बीन लर्निंग अनलर्निंग एवरी डे, गुड बैड अगली फ्रेंड्स जो भी हैं। तो ये आंखें जो हैं इट गिव्स यू अ प्रॉमिस दैट वॉट एवर आई विल से विल बी द ट्रुथ, यू लिसन टू इट और यू डोंट लिसन टू इट, दैट्स योर कॉल। और यहाँ स्कूल पे आज खड़े हुए थे ये भी 2 चीज़ों का और एहसास हो रहा है, शायद जो हमने दूसरों से दोस्ती की यहाँ पर वो हमें सिखाती है कि हम खुद से कैसे दोस्ती करें और इतनी सारी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं उनको कैसे डील करें और फिर यू नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड स्टिल आई हैव टू बी अ फाइटर एंड आई हैव टू मेंटेन दैट स्माइल ऑफ माइन।
और खुश कैसे रह रहा है, हर सिचुएशन में खुश कैसे रह रहा है, ये हमारे स्कूल ने सिखाया. सो दैट्स व्हाट आई कैरी. सो आंखें धोखा भी खाती हैं. क्या आंखें धोखा भी. खुशी मिल रही है कि मैं आंखों की डॉक्टर हूं. मैंने सोचा नहीं था कि आंखों पर इतना कुछ बोला जा सकता है. मैंने तो पूरा कारगिल वॉर मैंने कवर किया. आई वाज विद सोनल मानसिंह एंड शी वाज परफॉर्मिंग ऑल द डांसेस ऑन आंखें. जितने भी गाने बने हैं आंखों पर, उसको लेके उन्होंने करीब आधा से एक घंटे का प्रोग्राम बना के रखा था. और फौजियों को कारगिल वॉर के समय में शी वॉज इंटरटेनिंग दैट अवंतीपुरा, दरास, ले एंड अदर प्लेसेस. सो एनीवे दैट्स अ टॉपिक इज अ डिफरेंट. टुडे इज़ अ एलुमनाई मीट नहीं है, ये दोस्तों से मिलने का सफ़र है. तो संक्षेप में एकदम थोड़ा थोड़ा नज़दीक आएंगे आप लोग हैं. संक्षेप में कुछ बताइए जो लास्ट जाते जाते एक पटना वासियों को, नॉटरडम के जो नया जनरेशन है या पटना जो है वो आप लोगों को सुने. मुझे ये लगता है कि मेरा सफ़र दोबारा पटना में शुरू हो रहा है, तो बहुत कुछ कर रहा है. देख के लगता है एक अंदर से और ज़ील आती है कि हाँ, यू नो, देयर सो मच दैट आई नीड टू गिव टू माई स्टेट एंड देन टेक इट टू अ नेक्स्ट लेवल. और इतनी जगह दुनिया में बहुत कुछ अच्छाइयाँ देखी, बहुत सारी बुराइयाँ देखी, तो अपने को और रिफाइन करने के लिए दिस इज़ द प्लेस दैट आई एम नाउ हियर. अभी ये मैं एक संदेश देना चाहूँगी टू ऑल, यू नो, डेमियंस एंड एवरीबडी ऑफ दिस स्टेट. But never forget this state. It keeps waiting for all of us to keep coming back and keep coming back and keep, you know, keep giving back to this place. It really is a ye jo jagah hai ye bahut simple state hai. Yahan pe bas ye bas logon ka bas apne state wale logon ka pyar mangti hai aur kuch nahi. So please keep coming back. Mera hamesha se ek woh raha hai manna, think local, act global. अब बिहार एक अर्थ का एक पार्ट ही है, हम क्यों डिस्टिंग्विश करते हैं, करना नहीं चाहिए. ये किसी, मतलब आप कहीं भी बॉर्न हो सकते हो ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है. आप गोवा में बॉर्न हो सकते हो, आप कहीं भी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. आप जहाँ के भी हो, यू आर ए ह्यूमन बीइंग विच इज़ द फाइनेस्ट इवोल्यूशन ऑन दिस अर्थ. तो जगह से कुछ नहीं रखा है, ये सब आपकी सोच में है. कहीं भी हो, सारे, बहुत सारे बिहार के लोग अमेरिका में हैं, यूके में हैं, एंड दे आर डूइंग सो वेल. एंड एक चीज़ और है, जो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, दे परफॉर्म 1000 times better. मेरा बस यही एक संदेश है कि जो बाहर जाते हैं ना, यहाँ भी आके वैसा ही परफॉर्म करें जहाँ जैसा वो बाहर करते हैं, तो बिहार में ही अमेरिका और यूके हो जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. सो मीटिंग विद सो ब्यूटीफुल लेडीज. ओके, थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.